हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक इन एक नया आईडी कैसे क्रिएट करें बहुत इजी ट्रिक में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे रोहन राजपूत वाला मेरा सैम्बल है और ऊपर वाला यूट्यूबर वाला मेरा स्नैपर है। तो इस वीडियो में मैं ये एक्सेप्ट करवा के दिखाने वाला हूँ आपको। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब मैं आपको ट्रिक बाई ट्रिक बताऊँगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो गाइज, सिंपली आपको यहाँ पर यूज़ करना है ट्रिक ब्राउज़र। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना ट्रिक ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ट्रिक ब्राउज़र ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरी आईडी जो है अपडेट नेम से वापस आ चुकी है। तो सिंपली मैं अपनी आईडी यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। तो आप देख सकते हो मेरी आईडी जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है और अपडेट नेम से वापस आ चुकी है। तो भाई, ये जो आईडी है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे दिया था और बोला था कि भाई मैंने बहुत ट्राई किया है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप कर दो। तो भाई, मैं उस बंदे की आईडी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस, आपको डोंट अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डोंट अपडेट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स से लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद ऊपर वाले ऐप में पेस्ट करके सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप इतना काम करोगे, और आप देख सकते हो दोनों में सेम इंटरफेस ओपन हो चुका है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट बॉक्स की। यहाँ पे लिखा हुआ दोनों बॉक्स में चूज़ फाइल। तो आपको दोनों बॉक्स में वो स्क्रीनशॉट डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना आईडी का स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ जो मैंने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। और गाइस, यहाँ पे वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, फिर आप बोलोगे कि भाई सैम्बल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप आपको करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है आपको यहाँ पे। ये बात ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत से बंदे आते हैं जल्दी जल्दी में वीडियो देख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई सैम्बल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पे मैं अब अपने दूसरे बॉक्स में वही स्क्रीनशॉट डाल लेता हूँ। और गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, फिर आप बोलोगे कि भाई फिर से सैम्बल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इतने सारे बंदे आते हैं मेरे पास इंस्टा पे, यही बोलते हैं भाई सैम्बल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे इतना काम हो गया दोनों बॉक्स में स्क्रीनशॉट डालने के बाद। गाइज, आपको यहाँ पे अपना स्नैपर कैसे कॉपी करना है वो बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर बंदों की यही कंप्लेन रहती है कि भाई सैम्बल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कॉपी किया है, हम इसी तरीके से आपको कॉपी कर लेना है। इतना करने के बाद अपने ट्रिक ब्राउज़र में आ जाना है। ट्रिक ब्राउज़र में आने के बाद फर्स्ट बॉक्स में आपको ये स्नैपर लगा देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने फर्स्ट बॉक्स में स्नैपर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बॉक्स में आपको वो सैम्बल डाल देना है जिसको आप एक्सेप्ट करवाना चाहते हो। तो गाइस, मैं तो यहाँ पे ये वाला सैम्बल एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसको कॉपी किया है, सेम इसी तरीके से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने ट्रिक ब्राउज़र में आ जाने के बाद लास्ट बॉक्स में उसको पेस्ट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना जो सैम्बल है वो लास्ट बॉक्स में पेस्ट कर दिया और हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको वो निकनेम ऐड कर देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी दो कैपिटल वर्ड डाल देने हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MD। तो मैंने यहाँ पे MD डाल दिया गाइस, और आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसको सबमिट कैसे करना है। जो हमारा सैम्बल वाला बॉक्स है उसको फर्स्ट स्टेप में सबमिट करना है, और जो निकनेम वाला है उसको सेकंड स्टेप में करना, दोनों को एक साथ है। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है गाइस, और मेरे जो सैम्बल हैं वो फेसबुक टीम को सेंड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो सैम्बल है वो फेसबुक टीम को सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो गाइज, इसी तरीके से सेम स्टेप बाई स्टेप आपको कर लेना है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सैम्बल जो है 110% एक्सेप्ट हो जाएगा। और गाइज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हेलो गाइज, तो मेरा जो सैम्बल है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने फेसबुक लाइट में। और फेसबुक लाइट में आ जाने के बाद आप मेरा यहाँ पे सैम्बल देख सकते हो, रोहन राजपूत वाला, सबसे लास्ट वाला। तो मैंने ये जो सैम्बल है वो एक्सेप्ट करवाया है गाइज। तो इसी तरीके से जैसे मैं सैम्बल एक्सेप्ट कर पाता हूँ, तो और बंदों से क्यों नहीं होता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा भाई आज तक। तो भाई, यहाँ पे मैं अपने आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल के जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा सैम्बल सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कर देना है अपडेट नेम। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट नेम करोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे गो टू न्यूज़ फीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे गो टू न्यूज़ फीड पे क्लिक करोगे, उसके बाद हमारी जो आईडी है
वो ओपन हो जाएगी गाइस। तो आप देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको अपना सैंपल चेक करवा देता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो सैंपल है वो कितना यूनिक लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है गाइस। और जिस भाई से आईडी नहीं बन रही है वो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा। और भाई वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।